नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में 7 जून 2022 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने आयुर्वेदा आहार लोगों को लॉन्च किया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले आयुर्वेदा आहार है क्या और इसके लोगो जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके अलावा हम फूड कोड को भी देखेंगे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी देखेंगे, इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, इसकी थीम भी देखेंगे। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक आयुर्वेदा आहार इज अ फूड प्रिपेयर्ड इन लाइन विद द रेसिपीज और इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस गिवन इन द अथॉरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदा। यानी कि हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा की कुछ किताबें हैं, इन किताबों में बताया गया है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, कैसा आहार खाना है, कुछ अगर बीमारी हो जाए तो क्या खाना है, जड़ी बूटियां वगैरह वगैरह। इसमें कुछ ना कुछ रेसिपीज बताई हुई हैं, कुछ ना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करी है और कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेसेस के बारे में बात करी है। तो वो फूड जो इन किताबों में, जो कि अथॉरिटेटिव बुक्स हैं आयुर्वेदा की, इन किताबों की रेसिपीज की मदद से बनाया जाए, इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया जाए, या फिर इसमें मेंशन जो प्रोसेसेस हैं उनसे बनाया जाए, उस फूड को हम कहेंगे आयुर्वेदा आहार। आहार खाना ही होता है, आपको पता है ना। आहार क्या है? हमने आहार ग्रहण किया यानी भोजन ग्रहण किया, यानी वी ईट फूड, हमने खाना खाया। तो ये है कि जो अथॉरिटेटिव बुक्स आयुर्वेदा की, उसमें जो रेसिपीज है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनकी मदद से जो फूड बनता है उसको हम कहते हैं आयुर्वेदा आहार। अब FSSAI के मुताबिक ये जो आयुर्वेदा आहार का लोगो है, इसका डिजाइन अगर आप देखें तो इट कंटेन इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड आयुर्वेदा एंड आहार इन इंग्लिश एंड देवनागरी। देखिए, हिंदी का लेटर अ, आहार आयुर्वेदा का अ, और इंग्लिश लेटर ए आहार, ऐसे करते, या फिर ये ए ओ जो है वो आहार ले लो, ए जो है वो क्या आपके पास आ गया आयुर्वेदा, ऐसे करके। तो ये इस प्रकार से मर्ज किए गए हैं कि ये दे अपीयर टू बी सिंगल फॉर्म। जैसे कि ये देखो, ये है लोगो। अब आप इसे अच्छे से देखिए, ये आपके पास आ गया आयुर्वेदा, या फिर ये आपके पास आ गया आहार, और ये आपके पास ए आ गया जो कि है आयुर्वेदा, या फिर ये इसको आहार मान लो, या जैसा देखना देख लो। मतलब दो आ रहे हैं, आयुर्वेदा आ रहा है, आहार आ रहा है, और ऐसे करके आ गया ये आयुर्वेदा, ये आ गया आहार, समझ गए। अब इसमें इट कंटेन सिंबॉलिक 5 leaves, यहां देखिए, ये यहां पे आपको ये 5 पत्ते दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 पत्ते क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दैट रिप्रेजेंट 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन से? ईथर, वाटर, एयर, फायर, अर्थ। तो ईथर, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, ये 5 एलिमेंट्स, ये 5 पत्ते क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा कलर क्या है आपको दिख रहा? ग्रीन दिख रहा। इसका भी महत्व है। ग्रीन कलर स्टैंड फॉर नेचुरल, बायोटिक, होलसम, ऑर्गेनिक और हर्बल। तो ये है पूरा का पूरा जो इसका लोगो है उसका पूरा का मतलब। लेकिन अब ये लोगो जरूरी क्यों है? फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। आपने बाजार से ये फूड खरीदा, आपने इसमें इसका लोगो देख लिया, इस प्रकार से देख लिया, आपको पता चल गया कि ये जो खाना है ये आयुर्वेदा में जो अथॉरिटेटिव बुक्स है उसमें मेंशन प्रोसेसेस, उसमें मेंशन इंग्रेडिएंट्स, उसमें मेंशन रेसिपीज की मदद से बनाया गया है। तो आप उसको, अगर आप जैसे भरोसा करते आयुर्वेदा पे, मैक्सिमम सारे करते हैं, तो आप उसको देखेंगे तो इससे क्या होगा, इजी आइडेंटिफिकेशन होगी और इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर आयुर्वेदिक आहार। कि इससे एक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है आयुर्वेदा आहार को, कि जिसमें ये लोगो होगा वो आयुर्वेदा आहार है।
यानी वो आयुर्वेदा में मेंशन किताबों में जो अथॉरिटेटिव बुक्स है उसमें मेंशन जो चीजें हैं, जो रेसिपीज है, उससे बनाया गया है। एंड दिस लोगो विल आल्सो रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। ये दोबारा रीइंफोर्स क्या करेगा, क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, कि इसमें ये लोगो है तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें फूड सेफ्टी डे के बारे में, जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, ये हर साल मनाया जाता है 7 जून को। इस साल 2022 की जो इसकी थीम थी वो थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। सवाल पूछ लिया जा सकता है डेट से भी थीम से भी, याद रखिएगा। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था 2019 में जॉइंटली बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। कहाँ है इनके हेडक्वार्टर्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूनाइटेड नेशन की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सारे के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस डे सीक्स टू ड्रॉ अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन इन अ बिड टू हेल्प डिटेक्ट प्रिवेंट और मैनेज फूड बॉर्न रिस्क। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अटेंशन लोगों की बढ़ाई जाए और उन्हें इंस्पायर किया जाए एक्शन लेने के लिए। क्यों? ताकि वो हेल्प कर सके डिटेक्ट करने में, प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में। लेकिन किसको डिटेक्ट, प्रिवेंट और मैनेज करने में? फूड बॉर्न रिस्क, कि फूड से, अब अगर हाइजीनिक फूड नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो फूड बॉर्न जो रिस्क है उसको डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और फिर उसको इवेंचुअली मैनेज करने के लिए। अब देखो, क्योंकि फूड बॉर्न रिस्क को ये डिटेक्ट करने की बात कर रहा है, प्रिवेंट और मैनेज करने की बात कर रहा है, तो इवेंचुअली ये किस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मार्केट एक्सेस और टूरिज्म में। तो इससे ये जो डे है इसमें एम ये है और फिर इसकी हेल्प जो है वो ये है, यानी ये इसका एम है और इस एम को अचीव करके फिर ये इन चीजों में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये फूड कोड क्या है, जैसे हमने बात करी लोगों की, तो फूड कोड को कोडेक्स एलिमेंटेरियस भी कहते हैं, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब देखो ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। गाइडलाइंस, इसके माध्यम से गाइडलाइन दी जाती हैं कि जैसे अगर ये फूड है तो ये गाइडलाइन है कि इसको ऐसे करके प्रिजर्व करना है, या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एडिशनल कलर अगर है तो कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर स्टैंडर्ड्स, कि मान लो जी मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें, अब जैसे मैगी का इंसिडेंट चला था जी, इसमें लेड है, तो वो लेड तो उसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि ये क्वांटिटी तक ठीक है, उससे ऊपर गया तो वो फिर अनहेल्दी है। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स हो गए। तो पीछे 3-4 साल पहले हुआ था कि मैगी में ज़्यादा लेड मिला था, तो फिर मैगी को काफ़ी अपने जो नूडल्स हैं उसको वापस लेना पड़ा था। फिर आते कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, कि कोई स्पेसिफिक चीज़ है उसको कैसे बनाया जाना चाहिए, उसे कैसे स्टोर किया जाना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये पूरे के पूरे जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कोड्स ऑफ प्रैक्टिस है, इन सारों की कलेक्शन जो है उसको क्या कहते हैं, फूड कोड। लेकिन वो गाइडलाइन, वो स्टैंडर्ड, वो कोड्स ऑफ प्रैक्टिस जिसे अडॉप्ट किया गया है बाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा, तो इसलिए इस कमीशन के द्वारा अगर उन फूड कोड को, उन गाइडलाइंस को, स्टैंडर्ड और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस के कलेक्शन को अडॉप्ट किया गया है, इसीलिए इसको कोडेक्स एलिमेंटेरियस भी कहा जाता है। क्या है ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? ये एक जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है FAO और WHO की, और इसमें 189 मेंबर्स हैं। तो क्या हमारा प्यारा भारत इसका मेंबर है? बिल्कुल हाँ, ये आपने याद रखना है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन विच इज एन जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बाय FAO एंड WHO। तो ये आपने याद रखना है, ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी के भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।